कामना यहाँ पे क्या कर रही है, उमैर कहाँ पे है। तो आज मैं फिर से आ चुकी हूँ लाइफ विद उमैर चैनल में आमना, और उमैर मैं भी ढूंढ रही हूँ वो कहाँ पे है। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, ना उनकी वीडियो आई है, उनका पता ही नहीं है वो कहाँ है। चलो ऐसे करते हैं, हम उनको कॉल मिलाते हैं, ठीक है? कॉल मिला के पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं आज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आप आजकल हैं कहाँ पे? सब आपको मिस कर रहे हैं, YouTube फैमिली आपको मिस कर रही है, आप हैं कहाँ पे बताएं तो जरा। यही पे हूँ, मैंने किधर जाना है यही पे हूँ, बट लॉकडाउन है ना यहाँ पे, तो इस वजह से मैं थोड़ा बिजी वगैरह था जॉब वगैरह पे। मैं आधे घंटे बाद ऑनलाइन होता हूँ यहाँ ना, फिर करते हैं बात। चलो ठीक है, ये देखा बिजी, चलो ठीक है मैं वेट करती हूँ, ठीक है? देखा बिजी, जब कॉल मिलाओ मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, थोड़ी देर बाद करता हूँ। चलो ठीक है, आप आधे घंटे के बाद हम मिलते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मुझे अभी अभी आमना की जो है वो कॉल आई थी, तो मैं इधर थोड़ा बिजी था, तो मैंने उसको बोला कि आधे घंटे तक मैं उसको कॉल करता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इधर से बस थोड़ी चीज़ें लेने आया था, तो यहाँ से लेके तो इंशाल्लाह घर चलते हैं, फिर बात करते हैं आमना से। मुझे पता है आमना जो है ना वो आज गुस्से में होगी, क्योंकि उसको पता है कि दो तीन वीक से मेरी कोई वीडियो नहीं आई, तो उसको पता है कि शायद ये बिजी है या जहाँ पे भी है। तो आज मुझे पता है वो उसके साथ वीडियो बनानी पड़ जानी है मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और जिनमें से कुछ लोगों को जो है वो मसला है मेरे और आमना के इस तरह से बात करने से, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो है अभी अनसब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि आप लोग जो है वो नीचे बैड कमेंट्स करें। क्योंकि ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी के कुछ असूल हैं जिन असूलों को ना मैं कभी तोड़ता हूँ और ना किसी को तोड़ने देता हूँ। तो असूल ये हैं कि ज़िंदगी में मैं कभी जो है अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, नंबर वन। और नंबर सेकंड पे अब जो है आमना के ख़िलाफ़ मैं कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई बैड लैंग्वेज या कुछ भी आमना के ख़िलाफ़ बोलेगा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा अपने चैनल से, तो ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह। तो चलें फिर आप वीडियो करते हैं स्टार्ट, आमना को मैं करता हूँ, मैं पहुँच चुका था घर, तो फिर आमना से करते हैं बात। तो चलें आमना, मैं फिर आ गया हूँ आधे घंटे के बाद, और आप सुनाएं आप कैसी हैं, ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप आजकल क्या कर रहे हैं? वीडियो भी नहीं आ रही कोई आपकी लाइफ के बारे में, मैं इधर ही हूँ, बस वही ना लॉकडाउन की वजह से मैं थोड़ा बिजी था जॉब वगैरह पे, तो भाई इसीलिए जो है वीडियो वगैरह नहीं आ रही थी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आएगी, जो कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि आमना का मेकअप वगैरह मैंने लेना है, तो उसकी वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। मेकअप भी मेरे लिए और कुछ थी? मेकअप और जो जो खा हुआ सारा कोई ले लिया हुआ है इंशाल्लाह, वो सारा मैं दिखाऊंगा वीडियो में, लेकिन पाकिस्तान आगे दिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ थोड़ा बहुत दिखाऊंगा लोगों को कि कैसे मैंने मेकअप लिया, क्योंकि बॉडी शॉप तो अभी क्लोज है, और अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो मुझे पता है कि जब मैंने पाकिस्तान आना है तो तब तक मुझे उसका ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी जो है वो डिले हो रही है। तो बॉडी शॉप तो नहीं, लेकिन मैं आमना को बता दूंगा ना कि जो जो चाहिए आमना को, आमना मुझे बता दे, तो इंशाल्लाह वो मैं ले आऊंगा। लंबी लिस्ट है, वो सारी लिस्ट मैंने देख ली है, वो सारी लिस्ट मैंने देख ली हुई है। हाँ मुझे बता देना ना, मैं लिंक भेज दूंगा, जो जो चाहिए होगा ना मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा इंशाल्लाह। टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ ले सकता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, जो जो चाहिए होगा मुझे बता देना। और मैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि हम दोनों की शादी की डेट क्या है, मंथ क्या है, तो मैंने सोचा मैं उनको सबको अपनी वीडियो में नहीं बताऊंगी, मैंने सोचा था हम दोनों मिलके एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अनाउंस करेंगे कि हमारी शादी का मंथ कौन सा है और डेट कौन सी है। तो क्यों मैं आज बता दूं सबको? हाँ इंशाल्लाह मैं इन सबको बता देता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी शादी का जो मंथ है वो नेक्स्ट मंथ है, इंशाल्लाह नवंबर में शादी है, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द इन लोगों को वीडियोस भी मिलेंगी सारी, सारा कुछ मिलेगा, बारात, मेहंदी और वलीमा, माइयों जो भी होगा वो सारी इंशाल्लाह वीडियोस इन सब के साथ हम लोग शेयर करेंगे।
हाँ सारा कुछ, निकाह की वीडियो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे, सारी वीडियोस जो हैं वो शेयर होंगी, आप लोग देखोगे एक एक चीज आप लोगों के साथ शेयर होगी। हाँ तो आज सबने सुन लिया होगा लाइफ इज द बैड के सब्सक्राइबर्स ने भी और लाइफ इज आमना के भी और अपनी दुआ के भी, क्योंकि मैंने देखा है कुकिंग की दुआ में भी लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि शादी क्या है, अभी बता दें शादी का अगर किस मंथ में है और कौन सी डेट है, लेकिन आज हम दोनों ने अनाउंस कर दिया था नवम्बर में है नेक्स्ट मंथ। हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ है नवंबर में। शादी की तैयारियां कैसे चल रही है? मेरी तो बहुत ज्यादा तैयारी। शादी की तैयारियां बस यही है, ऑनलाइन ऑर्डर मैं कर रहा हूँ, काफी चीजें जो आ चुकी हैं काफियों का अभी मैं वेट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी बहुत जल्द। अनमोल जी कौन है, मुंह से बताओ ना कौन है, बताओ ना जी, आवाज जोर से बोलो। फूफा कहती है अब तो, चल चल जाओ अब तो सही कहती है फूफा। हाँ फूफा। अच्छा आपको पता है हमारी डेट फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया, आपने तो ना कॉल की ना मुंह मीठा किया ना करवाया, तो पता क्या है हम मुंह मीठा मैंने घर वाले मिठाई नहीं लेके आए थे, तो मेरा मुंह मीठा किसी ने भी नहीं करवाया अभी तक, मैंने तो खुद ही चॉकलेट खाई थी। अच्छा ठीक है, हमने लोगों को मैंने दिखाया था कि बच्चों के लिए जो है मैं खिलौने वगैरह लेके आऊंगा चीजें वगैरह, तो इधर लॉकडाउन की वजह से जो है वो मैं नहीं ला सकता, क्योंकि अगर मैं ऑर्डर भी करता हूँ तो ऑर्डर जो है वो डिले हो रहे हैं जिसकी वजह से मैं नहीं ला सकता, तो इंशाल्लाह उनको मैं पाकिस्तान से लेके दूंगा बच्चों को सारी चीजें जो जो उन्हें चाहिए होगा, बच्चों को जो है मैं पाकिस्तान से शॉपिंग करवाऊंगा सारी जो जो वो कहेंगे। आमना के लिए लॉकडाउन नहीं है लेकिन बाकी सबके लिए लॉकडाउन है। तो मैं सब लोग हमसे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं मैसेज करके कि आमना अपनी शादी की डेट अनाउंस कर दे बता दे कि क्या डेट है, लेकिन मैंने कहा नहीं, जिसके साथ मतलब तो हम दोनों की शादी है तो हम दोनों को मिलके बताएंगे, तो मंच अनाउंस करेंगे क्या है क्या नहीं, मिलके बताएंगे। तो आज हम दोनों साथ में बोलते हैं, तो दोनों साथ में बोलते हैं नवंबर में है इंशाल्लाह। आज हम दोनों है नवंबर में शादी है इंशाल्लाह, और आपने शादी की तैयारियां बिल्कुल सही चल रही है ना? हाँ मेरी तो फुल तैयारी हो चुकी हुई है, फुल सब कुछ, मेहंदी वलीमा निकाह सब कुछ, आपकी तो अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई? मेरी तो अभी कोई कपड़े नहीं हुए। जल्दी से आए तो फिर आप। हाँ इंशाल्लाह मैं भी जो टिकट है उससे 3-4 दिन पहले आ जाऊं, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, वो भी कंफर्म मैं करूंगा अभी, क्योंकि मैं एक दो पार्सल्स का अपने वेट कर रहा हूं, जो मैंने दिखाए हुए हैं शूज वगैरह मैंने लिए हुए हैं, जो चीजें ली हुई हैं तो उनका मैं वेट कर रहा हूं, जैसे ही वो मुझे मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है मैं टिकट शायद आगे करवा लूं 3-4 दिन, तो मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। तो चलें जब मैं पाकिस्तान आऊंगा ना इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैंने आमना को प्रपोज किया था, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं वो भी शेयर कर दूंगा, तो मैं अभी तो मैं शेयर नहीं करूंगा, वो पाकिस्तान आके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, फिर आप देखना तो फिर आप लोग इंशाल्लाह देखना। अच्छा, हाँ वो बना के रखी हुई है, वो बस मैंने अपलोड करनी है। हाँ मैंने बनाई हुई है, हाँ बना के रखी हुई है, वो मैंने सिर्फ लगानी है। अच्छा बहुत कुछ बनाया आज, हालत कैसी बनाई हुई है? हालत यार बाल सारे नाई वगैरह बंद है, मैं बाल कहाँ से कटवाऊँ, बाल कटवा नहीं सकते क्योंकि सारे हेयर ड्रेसर जितने भी हैं वो सारे बंद हैं इस वक्त मेलबर्न में, तो इसीलिए जो है कटिंग भी नहीं करवाई, और मुझे वीडियो बनाते हुए भी शर्म आती है, मैं कैसे बनाऊं वीडियो, तो ये रीजन है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो पे लाइक करें और लाइफ टू द मैट चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइफ टू द मैट चैनल के साथ साथ सब्सक्राइब करते करते आप कुकिंग विद दुआ को भी जाके सब्सक्राइब करें, वहां पे भी हम दोनों की शादी की डिटेल आपको मिलती जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, लाइफ विद आमना को भी करें, किशन विद आमना को भी करें, लाइफ विद बिलाल को भी करें, सबको सब्सक्राइब करें, सब पे आपको शादी की वीडियो जो है मिलेंगी सारी। हाँ सब लोग आपको शादी की वीडियो मिलेंगी, तो इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए, हाँ इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जल्दी से आप कुछ शायरी से हो जाए।
मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा, मैं भी वेट करूंगी, मुझे भी देखनी है क्या है। चलो ठीक है फिर, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज।